आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। डीएम चंद्रभूषण सिंह के निर्देश पर एआरटीओ अमिताभ चतुर्वेदी व एआरटीओ कासगंज राजेश राजपूत ने NH3 पर डग्गेमार वाहनों के खिलाफ संयुक्त चेकिंग अभियान चलाकर कार्रवाई की, जिसमें टीम ने 60 से अधिक बसों को चेक किया। 2 बसों को थाना मडरा के निरुद्ध किया गया और 10 बसों का चालान किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य यात्री वाहन एवं दोपहिया वाहनों के हेलमेट के अभियान के तहत लगभग 100 वाहनों के चालान किए गए। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत जनपद के 6 विकास खंडों के ग्राम पंचायत सचिवों की कार्यशाला संपन्न हुई, जिसका शुभारंभ मंडलायुक्त ने किया तथा कार्यशाला में लोधा, धनीपुर, अतरौली, बिजौली, गंगीरी और अकराबाद ने भाग लिया। डीएम चंद्रभूषण सिंह के निर्देश पर आज SDM गवाना कुलदीप सिंह ने कोमला, हीरापुर में गौशाला का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिसमें SDM कुलदीप ने बताया कि गौशालाओं में चारे की पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह की अध्यक्षता में आज स्कॉलरशिप मास्टर डाटा अपडेट करने के लिए बैठक की गई, जिसमें जिलाधिकारी सिंह ने निर्देशित किया कि सभी विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलिएटिंग एजेंसी एक हफ्ते में सभी कार्रवाई पूर्ण कर लें। इससे किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, जिसने भी लापरवाही की उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीएम चंद्रभूषण सिंह के निर्देश पर ACM द्वितीय अंजुम बी ने आज दौदपुर, कैलानगर, लालडिग्गी क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। डीएम चंद्रभूषण सिंह को टप्पल CSC प्रभारी की शिकायत लगातार मिल रही थी, जिसके संदर्भ में डीएम ने आज SDM खैर पंकज कुमार को CSC टप्पल भेजा, जिसमें SDM पंकज कुमार टप्पल CSC पहुंचे और वहां CSC प्रभारी के संदर्भ में जांच की। इसके साथ ही SDM पंकज कुमार ने CSC का निरीक्षण किया। डीएम चंद्रभूषण सिंह के निर्देश पर SDM खैर पंकज कुमार ने टप्पल गौशाला का निरीक्षण किया और गोवंश के ट्रांसफर के लिए व्यवस्था देखी, जिसमें गोवंश को अन्य गौशालाओं में भेजा जा सके। डीएम चंद्रभूषण सिंह के निर्देश पर SDM कोल रंजीत सिंह ने आज कोल तहसील के सभी लेखपालों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्र में जाकर कम से कम 2 गांवों में खतौनी पढ़कर अविवादित विरासत के मामले चिन्हित कर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता व उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली के नियमों के अंतर्गत इसकी सूचना राजस्व निरीक्षक के माध्यम से शाम 5 बजे तक रजिस्टर कानूनों को कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। वहीं DM अलीगढ़ चंद्रभूषण सिंह के निर्देश पर ACM प्रथम जनेंद्र सिंह के नेतृत्व में आज टीम ने खैर रोड पशु चिकित्सालय के सामने सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और सफाई में लगी टीमों को निर्देशित किया कि प्रतिदिन बेहतर सफाई की जाए। इसके साथ ही टीम ने गुल्लर रोड पर पॉलीथीन अभियान चलाया, जिसमें पॉलीथीन जब्त की गई और 1000 रुपये का जुर्माना भी वसूल किया गया। DM अलीगढ़ चंद्रभूषण सिंह के निर्देश पर आज SDM इगलास रेणु सिंह ने इगलास तहसील की इगलास नगर पंचायत गौशाला व मानगढ़ी गांव में गौशाला का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिसमें SDM रेणु सिंह ने अधीनस्थों को मानगढ़ी व चिंता की नगरिया की गौशाला को पूर्ण करने के 3 दिन का समय दिया है और सख्त चेतावनी दी है कि गौशाला निर्माण में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। DM अलीगढ़ चंद्रभूषण सिंह के निर्देश पर आज SDM कोल रंजीत सिंह ने तहसील के कई क्रय केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिसमें साधन सहकारी समिति अकराबाद में 2 दिन से बोरा न होने पर गेहूं खरीद न होने से संबंध में शिकायत मिलने पर उक्त केंद्र पर छापा मारा गया। शिकायत सही पाई गई और केंद्र प्रभारी को कड़े शब्दों में तत्काल बोरा मंगाकर खरीद के लिए निर्देश दिए गए। DM अलीगढ़ चंद्रभूषण सिंह के निर्देश पर आज SDM अतरौली अनिरुद्ध प्रताप सिंह ने अतरौली में विभिन्न गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिसमें व्यवस्थाएं सही मिलने पर SDM अनिरुद्ध प्रताप सिंह ने किसानों से वार्ता की, उन्हें कोई समस्या तो नहीं है, जिसमें किसानों ने सही बताया। DM चंद्रभूषण सिंह ने आज दिनांक 9 मई 2019 को जनसुनवाई में फरियादियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। जनसुनवाई के दौरान 25 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। DM चंद्रभूषण सिंह ने आज नगर आयुक्त सत्यप्रकाश पटेल व नगर निगम के पेयजल विभाग के अधिकारियों के साथ पेयजल को लेकर एक बैठक की, जिसमें DM चंद्रभूषण सिंह ने निर्देशित किया कि महानगर के पानी की पूरी व्यवस्था की जाए, जिसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही DM ने नगर निगम व जल निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जहां पर पानी की समस्या है वहां 3 दिन में हैंडपंप लगाए जाएं और जो हैंडपंप खराब है उनको रिबोर किया जाए। DM चंद्रभूषण सिंह के निर्देश पर इगलास बेसवा नगर पंचायत में EO के नेतृत्व में बाढ़ स्तर पर सफाई अभियान चलाया गया। DM चंद्रभूषण सिंह की अध्यक्षता में आज जनपद के बाढ़ प्रभावित इलाकों को लेकर बैठक हुई, जिसमें DM ने संबंधित विभागों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए और कहा कि सभी विभाग पूरी ईमानदारी के साथ कार्य में लग जाएं, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। DM चंद्रभूषण सिंह के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे ने आज बड़ी कार्रवाई की, जिसमें लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे 8 शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का पत्र जारी किया गया। इसके साथ ही बेसिक शिक्षा अधिकारी पांडे ने बताया कि 8 शिक्षक लगातार लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे थे और इनके कई बार अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस भी दिया गया, लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसी के क्रम में जिलाधिकारी के निर्देश पर 8 शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है और अभी लापरवाही करने वाले शिक्षकों पर भी शिकंजा कसा जाएगा।